दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में जैसे कि आपसे मैंने दोस्तों वीडियो के थंबनेल में भी दोस्तों देख ही लिया होगा पेटीएम पर दोस्तों फुल केवाईसी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देखते हैं ये किसी तरीके का दोस्तों कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे काफी लोग जो है आपको यूट्यूब पर अभी देख रहा हूं मैं वीडियोज बना रहे दोस्तों काफी जल्दी जल्दी देख रहा हूं मैं, तो वहां पर दोस्तों आप लोगों को बता रहे हैं कि आपको केवाईसी ऐसे करना होगा वैसे करना होगा, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक मोबाइल पर दोस्तों मेरा केवाईसी जो दोस्तों देखते हैं योर केवाईसी इज कंप्लीट और यहाँ पर दोस्तों दूसरा केवाईसी करने का दोस्तों हमें ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट एंड कंप्लीट योर फुल केवाईसी भी फ्री में। तो दोस्तों फुल केवाईसी आप किस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में दिखाने वाला हूं दोस्तों, आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों 2023 में दोस्तों जैसे कि आप सभी ने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा आज से शुरू हो चुका है केवाईसी। जी हां दोस्तों केवाईसी 100% दोस्तों शुरू हो चुका है और आप लोग जो है केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आज आपको कंप्लीट देखना होगा तभी जाकर के आपका केवाईसी होगा, नहीं तो दोस्तों आप उल्टे फुलटे वीडियो के चक्कर में पड़ जाओगे फिर आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, फिर मुझे मत कहना कि सर हमारा केवाईसी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस चीज का मैं जिम्मा नहीं लूंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पेटीएम पर फुल केवाईसी करना है और किस तरीके से करना है दोस्तों, और सिर्फ आधार कार्ड से। आपके पास दोस्तों आधार कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, आपको पहले मैं बता देता हूं आधार कार्ड से दोस्तों आप लोग फुल केवाईसी कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मुझे केवाईसी जो है कंप्लीट यहां पर करने का ऑप्शन आ रहा है और काफी लोगों को दोस्तों ऑप्शन जो है यहां पर इन लोगों को इस तरीके का आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तभी जाकर के दोस्तों आपको समझ में आएगा। पहले मैं दूसरे मोबाइल पर दोस्तों निकालता हूं जिसका मैं केवाईसी अभी कंप्लीट करने वाला हूं, उस मोबाइल का दोस्तों अभी डिस्प्ले निकाल करके मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर काफी लोगों को जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है और वहां से जो है केवाईसी उन लोगों को यहां पर नहीं हो रहा है। तो केवाईसी दोस्तों आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है, इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपका केवाईसी नहीं होगा, फिर मुझे मत कमेंट करना कि सर हमारा केवाईसी नहीं हो रहा है आपने किस तरीके से बताया, ठीक है यहां पर फिर मुझे मत कहना, क्योंकि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं काफी लोगों को यह प्रॉब्लम हो रही है। यहां पर जो है सबसे फर्स्ट टाइम जैसे अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों यहां पर उनको जो है काफी लोगों को दिक्कत आ रही है। यहां पर सबसे पहले जैसे आ रहे थे यहां पर आपको आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और दोस्तों नरेगा जॉब कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहां पर सबसे पहले वॉलेट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वहां पर इनका जो है वॉलेट भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है और केवाईसी दोस्तों नहीं कर पा रहे और उसको लेकर के परेशान हो रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल के दोस्तों प्ले स्टोर में आना है और यहां पर दोस्तों आपको लिख करके सर्च कर देना है और यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको टाइप करना है पेटीएम और पेटीएम लिखने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं अपडेट यहां पर मांग रहा है, तो आपको अपडेट नहीं करना दोस्तों, यहां पर अनइंस्टॉल कर देना है। अब जैसे दोस्तों अनइंस्टॉल कर दोगे, अनइंस्टॉल करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। अब आपको क्या करना है चलिए सारा प्रोसेस लाइव इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों जो ये वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, वीडियो को आपको जो है यहां पर लाइक का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, लाइक जरूर से कर देना यार, क्योंकि इस ऐसा कंटेंट जो है आपको YouTube पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दोस्तों ऑल पे जरूर सेट करना है। यहां पर दोस्तों जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर ऑल पे सेट करना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर लिख करके आ रहा है पेटीएम केवाईसी कैसे करें, इस पर दोस्तों क्लिक करना है एंड यहां पर दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगा पेटीएम ऐप लिंक, इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहां से जो है आपको दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन को सबसे पहले दोस्तों डाउनलोड कर लेना है और यहां पर बिल्कुल इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर जो है हम लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैंने दोस्तों आप सभी के सामने दिखाया था यहां पर अपडेट भी आ चुका है, तो यहां पर दोस्तों आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूं दोस्तों उसी स्टेप्स को कंप्लीट करना है। आप पेटीएम एप्लीकेशन दोस्तों यहां पर डाउनलोड होने देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को दोस्तों जरा सा भी मिस मत करना, अगर आप केवाईसी को लेकर के काफी परेशान हो चुके हैं केवाईसी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा भी दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए फटाफट से इसे डाउनलोड करते हैं, आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट हम यहां पर ओपन बटन में क्लिक करेंगे और जैसे दोस्तों यहां पर आप ओपन में क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस आ जाएगा यहां पर सबसे फर्स्ट में। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर दोस्तों डाल करके यहां पर लॉग इन कर लेना है, यानी कि दोस्तों जिससे आप पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं, जिससे आप पेटीएम बनाना चाहते हैं उसका दोस्तों मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड में क्लिक करेंगे और दोस्तों यहां पर जो है इसे लॉग इन कर लेंगे। यहां पर लॉग इन हो चुका है, लॉग इन होने के बाद दोस्तों सबसे पहला काम आपको जो है यहां पर करना है दोस्तों, वो आपको काम यहां पर दोस्तों सर्च बार में आना है, इस सर्च बार में, और दोस्तों आने के बाद यहां पर आपको सिंपली से सर्च करना है केवाईसी लिख करके, ध्यान से देखना इस बात को समझना अच्छी तरीके से, ठीक है, मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना है, तो काफी लोग यहां पर कहेंगे कि भाई सब लोग इसी तरीके से बताते हैं, तो पहले समझेगा बात तभी तो भाई। तो यहां पर दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। अब इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें दोस्तों आपको अपना डॉक्यूमेंट दोस्तों यहां पर सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और यहां पर दोस्तों नरेगा जॉब कार्ड। तो यहां पर दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले जो है वॉलेट को आपको एक्टिवेट करना होगा। तो यहां पर काफी लोगों का कहना है कि सर हमारा वॉलेट भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वॉलेट एक्टिवेट प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपको इस तरीके में केवाईसी जो है आपका फुल नहीं होगा,
और यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर वॉलेट को सबसे पहले एक्टिवेट नहीं करते हैं तो हम लोगों को दोस्तों केवाईसी में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालते हैं और यहाँ पर पहले एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बाद हम केवाईसी कैसे करेंगे वो भी आपको मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों काफी लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आता है इस तरीके का दोस्तों, जिससे आप नोटिफिकेशन यहाँ पर सबमिट करोगे तो यहाँ पर थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग और यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एरर आ जाता है। तो एरर के बाद आपको ओके में क्लिक करना है। ओके में दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद भी अगर यहाँ से केवाईसी नहीं होता है तो आपको इसे कट कर देना है, बैक आ जाना है। चलिए मैं कट कर देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ पर जो है वॉलेट सबसे पहले तो दोस्तों एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रोफाइल में आपको क्लिक करना है। ध्यान से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। यहाँ पर इस प्रोफाइल में हम क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जैसे हेल्प सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों हेल्प सपोर्ट में हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का चेंज होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सपोर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, तो जिसमें दोस्तों आपको जो इधर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट 24 घंटा यानी कि दोस्तों अवेलेबल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक पेटीएम का दोस्तों नंबर मिल जाएगा, इस पर आपको कॉल करना है। अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए धन्यवाद, कोई नया खाता खोलने का आवेदन स्वीकार नहीं कर। तो दोस्तों आपका केवाईसी अभी घर बैठे दोस्तों नहीं होगा, आपको किसी शॉप पे जाना होगा दोस्तों, पेटीएम की शॉप पर, वहां पर जाकर के दोस्तों आपको केवाईसी फुल कराना होगा। बाकी दोस्तों इस तरीके का वीडियो आपको देखोगे कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा और आपको दोस्तों सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इस तरीके से इस ऐसे वीडियो से दोस्तों बचे और आप लोग जो है केवाईसी दोस्तों घर बैठे अभी नहीं हो रहा है, जैसे होगा दोस्तों नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा, लेकिन आपका जो केवाईसी है दोस्तों अभी किसी भी पेटीएम की शॉप पर दोस्तों जाकर के वहां पर फिंगरप्रिंट की मदद से।